ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था किस तरह से वाटर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, और बिहार के एक जगह का ये है जहाँ पे कल रात को ऐसे डैम था वो टूट चुका है और वाटर फ्लो देखिए कितना ज़्यादा हाई है। और मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस जो बिहार के हैं प्लेस हैं बिहार के वो बहुत ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड है। नहीं अगर बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब पानी जाए तो कहाँ, मतलब इतना ज़्यादा आप देख सकते हो, देख के ही डरावना सा फील होने लगता है। कि आई जस्ट होप कि सबको इस नेचुरल कैलामिटीज़ को फेस करने की हिम्मत दे भगवान, ताकत दे। बस सच में गाइज अभी हिम्मत और ताकत की बहुत ज़रूरत है। भगवान सबको सुरक्षित रखना और सबको स्वस्थ भी रखना है भगवान। तो आपने देखा कि सारे फ्लड से अफेक्टेड है और सब लोग डरे हुए हैं। ओबियसली ऐसा कब पानी फ्लड को देख के तो किसी को भी डर आएगा ही ना। आप देख सकते हो किस तरह झुग्गी झोपड़ी बना के लोग ऊपर रह रहे हैं। सच में देख के मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वाटर फ्लो हाई है। सच बताओ अगर मैं सामने से देख लेती तो मैं देख नहीं पाती, मतलब मेरा हार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं देख पाऊँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो जिन पे बीता होगा वो कैसे यार सच में वो झेल रहे होंगे एकदम से। वो सामने घर भी वो लोग बना के रह रहे हैं, वो चीज़ को वो 2400 घंटा देख रहे हैं। मैं तो सच में नहीं देख पाऊँगी। अब देखिए देख के इतना मुझे वो केदारनाथ वाला याद आ रहा है सच में, वाटर फ्लो को देख करके से मैं बहुत मुझे डर लग रहा है। सच में सुन के इतना तकलीफ़ हो रहा है। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे सोचो उनका क्या हाल होगा, जिनके घर में पेट एनिमल्स होंगे। सच में मुझे तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत लगता है। ऐसे फ्लड में बच्चों के साथ में रहना सच में कितना रिस्की भी होता है, जिसमें कितने सारे मतलब पानी में बह के आते हैं छोटे छोटे जानवर। सच में बहुत ही डरावना फील होता है। एंड दिस इज़ नाइट का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि डैम के नीचे एक फाटक होता है, जिससे कि आप अगर उस फाटक को बहुत ज़्यादा पानी अगर ओवर फ्लो हो रहा है मतलब, तो आप उसे अगर ओपन करते हो तो जनरली सभी पानी आपका अपोजिट साइड चला जाता है। इससे क्या होता है आप मतलब थोड़ा सा आपको राहत होता है। कि डैम को भी खोल दिया गया था रात को, फाटक को, सॉरी डैम नहीं फाटक को खोल दिया गया था। आप देखिए कितना ज़्यादा फ्लो है पानी का, आप देख सकते हो। जो नाइट का व्यू किसी ने शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस आप लोग के साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है मतलब प्लेसेस है जो भी ऑल ओवर इंडिया में, अपने सपोर्ट करो और मैं भी सपोर्ट ओबियसली करूँगी उन लोगों को, करना भी चाहिए। वक्त है हम लोग को एक साथ खड़े रहने का। और आप देखो वाटर का फ्लो कितना ज़्यादा हाई है। सो ये कल रात की बात है, घटना है, टूट गया बांध जो कि सच में बहुत बुरा हुआ, नहीं होना था। सो गाइस मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।